दोस्तों नमस्कार, आज बात लिक्विड सॉल्यूशन के साथ। बेंजोइक एसिड अंडरगोज डाइमराइजेशन इन बेंजीन सॉल्यूशन। द वांट ऑफ फैक्टर इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन एक्स ऑफ द एसिड एस। देखो बेटा, बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, ये डाइमराइज हो रहा है कब, जब बेंजीन एज अ सॉल्वेंट है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम लोग बेंजीन की जगह यहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट लेंगे तो ये डिसोसिएट होगा, और एसीटोन लेंगे तो एज इट इज रहेगा। मुख्य बात, विशेष बात, अब वांट ऑफ फैक्टर निकालना है बेटा। आई का सीधा फार्मूला याद कर लेंगे, 1+1/(n-1)। जनरली सब जगह अल्फा लिखा रहता है, मगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स गिवन है। तो I बराबर 1+1/(2-1)x, I बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1-x/2। अब देखिए, वांट ऑफ फैक्टर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि कई बार ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंट आ रहा था, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया। हम लोगों ने क्या मतलब, वांट ऑफ अंकल ने किया, हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि कहानी तो 1880 में हो चुकी थी। अब देखो बेटा, कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए कि I बराबर 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, I इज ग्रेटर देन 1 फॉर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन, I is less than 1 for electrolyte association। चलिए, टुडेज क्वेश्चन, आज का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जिप्मा 2017 में आया क्वेश्चन है, रूटीन क्वेश्चन है बच्चा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाता है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट, यू कैन से वेपर प्रेशर आल्सो, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। दीज आर द रूटीन क्वेश्चंस विच हैज कम सो मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस, मेंस एग्जामिनेशन, एडवांस एग्जामिनेशन, एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। बहुत ही रूटीन क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को करने के कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी हमारे पास है। सही आंसर जानने के लिए और ट्रिक्स को जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।